प्रभु का दर्शन करके बहुत पवित्र हम हो गए। अच्छा, तो प्रभु श्री राम के भक्त, मुझे प्रभु श्री राम का मंगल आरती पास जो है वो मिल चुका है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, अभी मैं हूँ अयोध्या में, प्रभु श्री राम की नगरी, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पर मैं अभी दर्शन करने के लिए नहीं जा रही हूँ, अभी शाम का वक्त है, क्योंकि मुझे सुबह की मंगल आरती देखनी है। तो इसलिए मैं पास लेने के लिए आई हूँ, पास अपना बनवाने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, अयोध्या का सुबह का मंगल आरती देखने के लिए आप कैसे पास बनवा सकते हैं, अगर आप बाहर से आते हैं किस तरीके से बनवा सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। ये वाला जो मुख्य द्वार है, यहीं से मतलब राम भगवान का जो एंट्री सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, मेन सिक्योरिटी, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और जस्ट इसके सामने में ये बिरला धर्मशाला है। लगाते हुए तिलक, आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर में जाने का इस तरीके के रास्ता मार्ग। इस तरीके से तो यहाँ पे जो है ना, दो तीन रास्ते फूटते हैं, ये आने वाले का, ये जाने वाले का। ये श्री राम जन्मभूमि है। ये जो आप रेड गेट देख रहे हैं, ये वाला, अभी सिक्योरिटी से पूछने पर मुझे पता चला है कि मेरा जो पास है वो यहीं पे मिलता है। तो यही है वो पास रूम, मतलब ये वाला रेड गेट के जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का। और ये हमारा पास रूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है होम्योपैथिक का इस तरीके से उपचार, लेकिन यहाँ पे पास मिलती है और इसी में पास मिलती है। और अब देख लो, ध्यान पूर्वक देख लो, ये सिंपल सा बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ये विंडो साइट है। अगर आपका कोई कांटेक्ट है तो आप पास आसानी से अवेलेबल करवा सकते हो। प्रभु श्री राम के भक्तों, मुझे प्रभु श्री राम का पास मिल गया, मतलब मंगल आरती का पास मिल चुका है, और मन अति 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 प्रसन्न है। पहली बार राम जन्मभूमि का आरती देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो भी 1 मार्च को। वैसे 1 मार्च को मेरे बड़े भैया का बर्थडे भी आता है, और 1 मार्च को मैं प्रभु श्री राम का मंगल आरती भी देखूंगी। तो जय श्री राम। इस तरीके से पास है, जय श्री राम। मैं आपको शाम का अयोध्या जो है वो दिखाती हूँ कि शाम के वक्त अयोध्या कैसा होता है। हर जगह जय जय श्री राम, जय श्री राम, जानकी जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शन कर ली, सुबह आई थी तो बहुत भीड़ था तो नहीं आई, अभी आई लेकिन खाली खाली। इतना सुंदर मेरा दर्शन हुआ, इतना मस्त दर्शन हुआ कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और भगवान की मूर्ति देख के तो और मन मुग्ध हो गया, कोई भीड़ नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सफाई वफाई भी बहुत अच्छा था। बहुत मैं चाहती हूँ कि अगले बार और आऊँ मैं। क्या बात है, कैसे रामलला आपको कैसे लगे, सुंदर लगे? हाँ, बहुत सुंदर। अब देखो, भगवान है वो तो, भगवान तो सुंदर लगबे करेंगे, है ना, चाहे काले मूर्ति में रहे चाहे सफेद मूर्ति में रहे, लेकिन भगवान है, भगवान तो बहुत अच्छा। अच्छा, 500 साल बाद रामलला जी आए हुए हैं। हाँ, मतलब अयोध्या में अपना अयोध्या में पुनः स्थापित हुआ है उनका। तो आप इसका श्रेय किसको देते हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी को दूंगी, नरेंद्र मोदी जी को दूंगी, अपने योगी जी को दूंगी, और जो अभी के मतलब बीजेपी जो आया है, बीजेपी के कारण ही, भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये मंदिर आया है। और लोग कितने विरोध किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, आज जो लोग विरोध करते थे उन्हीं लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और बहुत अच्छा लगा। और हमेशा जिंदाबाद भगवान करे, नरेंद्र मोदी हर साल हर जगह हर जन्म में रहे। चलो धन्यवाद, तो अब की बार 400 पार और मोदी सरकार। बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले बेतिया पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। अच्छा, उतनी दूर से यहाँ पे? हाँ, बेतिया के जो महाराजा हैं, जो बेतिया महाराज हरेंद्र किशोर जी जो हैं, वो मेरे दादाजी के फूफा जी लगते थे। तो
तो उनको मतलब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और प्रभु का दर्शन करके बहुत पवित्र हम हो गए। अच्छा अच्छा, इतनी खुशी मुझे पहले कभी मिली ही नहीं थी। जी जी, तो इसका सारा श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? भगवान हनुमान जी को। भगवान हनुमान जी को? हाँ हाँ। जी जी, तो अभी आप पहले कहाँ गए थे? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी गए? हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे आए? पहले हम जाकर सरयू में स्नान किए हैं। हाँ, और उसके बाद भगवान हनुमान जी का दर्शन किए हैं, और दर्शन अच्छा। करने के बाद तब हम आए हैं, भगवान श्री राम का दर्शन किए हैं। जी जी, तो आपको क्या लगता है इस बार हमारे राहुल जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि मोदी जी बन रहे हैं? मोदी जी बनेंगे, जिन्होंने इतना कुछ किया है, वो जो किया वो शायद हम सोचते हैं कई हजार वर्षों में कोई नहीं कर सकता था। जी, क्योंकि अब क्या कहते हैं, राहुल का खानदान को देखिए, और राहुल का खानदान क्या है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुआ तो सारे मुसलमानों को भेजा गया पाकिस्तान में, और बोला गया हिंदुस्तान जितने हिंदू हैं वो रहें आपको हिंदुस्तान में। फिर भी इसके बावजूद भी जो है यहाँ की जो भी जो है पहले जो मस्जिद जो बनी हुई थी, जो मंदिर तोड़ करके उसको फिर जो है क्या कहते हैं उद्धार नहीं किया गया, और उद्धार करने का जब आया तो सब पर कृष्ण कदमा चलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि क्या कहते हैं गैर हिंदू जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिया। गैर हिंदू में क्या है, वो सारा जो है राहुल गांधी का परिवार है, वही तो ज्यादा विरोध तो वही किए।